बच्चियों, चलो आज आपको थोड़ा केमिस्ट्री का बेसिक बता देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th में भी है और 12th में भी है, और ये वाला टॉपिक जो अपन पढ़ा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे तो आप आईपीसी वगैरह ना कुछ सूत्र होते हैं फॉर्मूले वो नहीं बना पाओगे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अच्छा मजबूत करना है तो आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा। तो पहला चलो हम देखते हैं बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा दिया है हाइड्रोकार्बन। अब जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप जरा देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसी ने पूछा आपसे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप उसे बोलना वह यौगिक जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। अपन इसका मतलब हम समझ गए कि इस टॉपिक में हाइड्रोकार्बन टॉपिक में हम हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 है, वेट उसका 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका वेट कितना है 12। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, इसे इंग्लिश में सैचुरेट, उसे क्या बोलते हैं अनसैचुरेट। अब संतृप्त को एक भाग में बांटा गया है एल्केन, और असंतृप्त को दो भागों में बांटा है एल्की और एल्काइन। तो आप समझ गए कि संतृप्त को एक भाग में बांटा गया है एल्केन, और असंतृप्त को किस दो भागों में डिवाइड किया गया है एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। कार्बनों की जितनी बड़ी हुई श्रृंखला हो, कार्बन की जितनी बड़ी हुई श्रृंखला हो, चेन हो या कार्बन लाइन वाइज लाइन सीक्वेंस से जुड़े हो, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो पक्की से पक्का एल्केन का ही सूत्र होगा। और कार्बन के आपको पता है चार वैलेंसी होती है, मतलब चार हाथ होते हैं, क्यों, तो इसकी भारी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी संयोजकता बोलते हैं, या हाथ बोल दो अपनी भाषा में चार है। एल्कीन के उसमें डबल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है भैया, डबल बॉन्ड लगता है, और आपके एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लग जाए। देखिए इसका जो सूत्र है, एल्केन का जो फॉर्मूला है CH H2N+K2, इसका फॉर्मूला है CN H2N, इसका फॉर्मूला है CN H2N-K2, इसके नाम में लगता है N, क्या लगता है भैया N, और इसके नाम में लगता है E, क्या लगता है भैया E, इसके नाम में लगता है आयन, क्या लगता है भैया आयन। और एक बात समझ गए हैं कि इसकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है इतनी होती है, चलो इसको रहने दो, बात बताएंगे तो आगे की केमिस्ट्री में दिया है जब बताएंगे। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं जरा, देखो हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब भाई होगी जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से डिवाइड है, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट को एक भाग में विभाजित किया था एल्केन, और असंतृप्त को दो भागों में एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, इसमें डबल बॉन्ड लगता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, उसका वो लिखा हुआ है, उसका वो लिखा हुआ है, और एक विशेष बात इसके नाम में है, इसमें ई, इसमें आयन। और सोचिए यहाँ पे एन क्या है, जो सूत्र में एन दिया है वो कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या भैया नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या है यहाँ पर एन, ठीक है। अभी आपको बताएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा एक शब्द सीखना है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में रूट बर्स, क्या बोलते हैं भैया रूट बर्स बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं शब्द मूल, बस कुछ मूल है, कुछ जड़ है,
है जो केमिस्ट्री की जड़ मूल बोला जाता है। जैसे आपने पढ़े होंगे तो मैं इधर साइड से लिखता हूँ, कार्बन कार्बन को हम एल बोलते हैं, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, और आपका पांच कार्बन का हम पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं, और सात कार्बन को हम हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन को हम ऑक्ट बोलते हैं, और नौ कार्बन को नॉन बोलते हैं, और दस कार्बन को डेक बोलते हैं। आप समझ गए जे, आप अगर आपने याद नहीं किया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो इसलिए रूट वर्ड्स शब्द मूल हिंदी में मतलब केमिस्ट्री की जड़, केमिस्ट्री का आधार बेसिक फंडामेंटल यूनिट यही है। कार्बन को एल बोलते हैं, एक कार्बन को मैथ। आपके सिलेबस में तो ओनली पांच तक ये चैप्टर दिए हैं, जो इतने सारे तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। मैं लिखती है और भी होते हैं 11, 12, 13, 14 होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहले हम आपको अब सूत्र बनाना सिखाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक से सूत्र बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एल के एल का सूत्र बनाएंगे। पहले आप एक चीज समझिए, संतृप्त का मतलब क्या है, सैचुरेट का मतलब क्या है, मींस क्या है। मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं बात को कि मैं मान लो आप में डंडा दे रहा हूं, डंडा आपकी पिटाई लगा रहा हूं, आपकी कैपेसिटी है 10 डंडे खाने की। अब तो मैंने आपको 10 डंडे मार दिया, अब आपने कहा कि सर मेरे में 11 डंडा दे मत देना, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि तेरी कैपेसिटी 10 डंडे की थी। इससे ज्यादा यही नहीं, तो सैचुरेट है, संतृप्त है। और अनसैचुरेट क्या है, चलो दो और मार देते, तीन और मार देते, वो अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है। समझ रहे हो जी। तो चले अपन पहले फॉर्मूले बनाते हैं। तो आप हम फॉर्मूले किसके बनाएंगे, पहले एल के, किसके बनाएंगे, ये एल के। तो पहले हम यहाँ पे जो अंदर कर लेते, जगह नहीं है, ये साफ करना पड़ेगा अभी। तो पहले हम एल के एल के पढ़ते हैं, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सुनने में ज्यादा ध्यान दें, तो कारण की देर के बाद मार्कर आज भूल आया है, ठीक है। चलो जरा तो उसको सेव करना जरा अभी।